सिंदूरा, कितनी देर हो गई है, कब निकलोगे तुम लोग? बस अभी छोटी माँ, मैं अनिकेत का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर। टिकट्स भी आ चुकी है, मैं अभी जाकर देखती हूँ। क्या ढूंढ रहे हो अनिकेत? तो मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा, तुमने तो नहीं रखा? नहीं तो? नहीं तो समझ में नहीं आ रहा कि पासपोर्ट गया कहाँ। ओह गॉड, पासपोर्ट के बिना कैसे जाएंगे? मैं टिकट कैंसिल कर देती हूँ। नहीं, मैं नहीं जा सकता तो क्या हुआ, तुम तो जा सकती हो। अनिकेत, ज्यादा डिले करने से कोई फायदा नहीं। मैं आपके बिना, आप भी चलते तो अच्छा होता। हाँ लेकिन ओके, चलती हूँ, ध्यान रखना। पासपोर्ट कहीं ऑफिस? पूरा घर, पूरा ऑफिस छानते रहो अनिकेत, पर तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पासपोर्ट को राख कर चुकी हूँ। हेलो, जरा मेरा पासपोर्ट चेक करिए, वहाँ ऑफिस में है क्या? खरीदना है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। देखो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, जब मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, जब मैं बीक हो जाऊंगा, तो ये टेडी बेयर मैं समीर के ले जाऊंगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा।
विद्या, ये मैं ऐसे ही देख रहा था, अच्छा नहीं, आगे चलते हैं, चलो। हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग फिर भी बहुत मजा कर सकते हैं, है ना? आप 2 मिनट यहाँ रुकिएगा, हाँ हम अब भी आते हैं, ठीक है, जाइएगा नहीं। सुनिए, क्या है विद्या? हम आपके लिए कुछ लाए हैं। क्या लाई हो? वाओ, कैंडी। अच्छी लगी आपको? चलो। सिंदूरा बेटा, तुम कुछ भी करना, लेकिन सागर और विद्या को अपने साथ वापस लेके आना। विद्या से तुम बहुत नाराज हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर की दुल्हन है। जब तक तुम वहां पहुंच के हमें बता नहीं देती कि वो कैसे हैं, हमें चैन नहीं आएगा। आप चिंता मत कीजिए छोटी माँ, अब जो कि मैं वहां जा रही हूं तो सब कुछ ठीक करके ही लौटूंगी। भारत, मामा को ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगे? गुड लक मम्मी, मिस ओशन के लिए जो भी सबसे अच्छा होगा वही होगा, मैं जानता हूँ। टेक केयर, बाय। I'm traveling by Singapore Airlines, but I think I'll take some time to reach to the airport. I would like to tell you check-in, please. Yeah, sure. Can I have your ticket number, please? Of course. Just a second. I'll call you back. Ticket kahan chali gayi? मेरी टिकट कहाँ? मिस ओशन के लिए जो भी सबसे अच्छा होगा वही होगा। भारत, सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया, इज सागर प्रताप सिंह बैक? दे आर स्टिल नॉट बैक। ओके,
आई विल कॉल अगेन, प्लीज टेल हिम दैट भारत हैड कॉल, थैंक यू। ओह नो, अब मैं मिस्टर ओशन को कैसे बताऊं कि घर में सबको पता चल गया कि वो लोग कहां पर है। लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी तो जा ही नहीं पाएगी, ऑपरेशन से पहले वहां कोई नहीं पहुंच पाएगा। यस, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए प्लीज। ठीक है, हम जाकर लेकर आते हैं, पर आप यहीं पर रहिएगा। ये लीजिए आपका पानी। क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? कुछ नहीं, मत बताइए, नहीं पूछ रहे हम आपसे। ये मैंने लिस्ट बनाई है, लिस्ट मेरे ठीक होने के बाद ना, मेरे ऑपरेशन के बाद क्या क्या करूंगा तुम्हारे लिए। क्योंकि यहाँ सिंगापुर के बाद हम सीधा यूरोप जाएंगे। यूरोप में ना यूरो रेल है, सबसे बेस्ट ट्रेन है वर्ल्ड की, उसमें बहुत एंजॉय करेंगे। उसके बाद ना वो ज्वेलरी, कपड़े, चॉकलेट, मैं सब तुम्हारे लिए खरीदूंगा, सब 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 कुछ। उसके बाद हम सीधा कट टू इंडिया आएंगे, ठीक है? इंडिया में मैं रोज ऑफिस जाऊंगा, रोज। उसके बाद दोपहर में जो लंच है वो मैं तुम्हारे साथ खा के जाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे साथ। रात में सोने से पहले और सुबह नेक्स्ट डे उठने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हारा फेस देखूंगा, सबसे पहले। प्रॉमिस, तुम इस प्लेनेट में सबसे अच्छी हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम मेरी एंजल हो, मेरी वाइफ हो, मेरी फ्रेंड हो, सब कुछ हो। विद्या, आई लव यू। विद्या, आई लव यू। विद्या, आई लव यू। विद्या, आई लव यू। टिकट। जी, क्या? मेरी फ्लाइट टिकट, मैं लेट हो रही हूँ भारत। नहीं, क्या हुआ ये? सुंदरा, तुम वापस आ गई और क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो अपने बेटे को, मेरी फ्लाइट टिकट छुपा कर रखती है इसने, और अब दे भी नहीं रहा। हाँ, छिपा दिए और नहीं दूंगा मैं। शमुना जी का मंदिर।
भारत, मम्मी वहां सागर के भले के लिए जा रही है, टिकट वापस लीजिए। कम ऑन भारत। नहीं, नाउ कम ऑन। गुड। विद्या, आज आज ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। बेस्ट डे। हमारी भी, हमारी जिंदगी का ये सबसे अच्छा दिन है, सबसे अच्छा दिन। मैं ये दिन कभी भूलूंगा नहीं विद्या। हम भी ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। कुछ गिफ्ट, कुछ प्रेजेंट। हमें प्लीज। नहीं नहीं, हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए। जब आप हमारे साथ हैं तो इससे बेहतर तो हमारे लिए कोई तोहफा होगा ही नहीं ना। विद्या प्लीज प्लीज, तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तुम इसलिए ऐसा कह रही हो, लेकिन देखो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। प्लीज। ये तो आप कब से कह रहे हैं कि पैसे आ जाएंगे, पर आपने हमें एक भी बार नहीं बताया कि आएंगे कहाँ से ये पैसे। क्योंकि ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा दिन है, बेस्ट डे। मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूँ। मैंने मिस्टर इंडिया को फोन किया और पैसे भेजने के लिए कहा है। आपने आपने भारत को फोन किया? आपकी किसी और से बात तो नहीं हुई? देखिए हमें सच सच बताइएगा, किसी और से बात तो नहीं की आपने? किसी को पता तो नहीं चला कि आपने फोन किया था? बोलिए। विद्या प्लीज प्लीज, तुम इतना डर क्यों रही हो? डरो मत प्लीज, मैंने सब कुछ कर दिया है। प्लीज मैं तो उससे बहुत बात करना चाह रहा था, बहुत कुछ बताना चाह रहा था, बहुत कुछ पूछना चाह रहा था। मैं बात कर भी रहा था कि बीच में ऐसी आवाज आई और मिस्टर इंडिया ने ओके बोल के फोन रख दिया। स्टूपिड है वो भी। इट्स ओके, मैं फिर से फोन कर लूंगा। इट्स ओके। सिंगापुर के बलून, वो देखो। ओ माय गॉड। वो देखो, वो देखो क्या हो गया? खरीदने आपको फुगे? अच्छे नहीं है। वो देखो केबल कार कहां से आ रही है? चाहिए ना आपको गुब्बारे? बोलिए, चाहिए ना? हाँ तो आइए। पैसे? हमारे पास पैसे हैं इतने। पैसे हैं आपके लिए? हैं। चलिए आइए आइए आइए। चलो बलून। विद्या कितने सारे बलून है, पिंक, ब्लू, पर्पल, येलो, रेड, कौन सा लू? बताइए तो सही, कौन सा चाहिए आपको? मुझे ब्लू। हाँ कौन सा वाला?
बोलिए कौन सा वाला चाहिए आपको, हम वही खरीदते हैं। सुनिए मजाक मत कीजिए आप अभी। विद्या, विद्या, विद्या प्लीज, विद्या मुझे खाने जा रहे हैं लोग, प्लीज, विद्या प्लीज, विद्या प्लीज बचा मुझे, विद्या खाने जा रहे हैं लोग मुझे, विद्या प्लीज। रुकिए, छोड़िए उन्हें। छोड़ो विद्या, छोड़िए विद्या।